वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ जैक बोर्ड साइंस कॉमर्स आर्ट्स। आज जैसा कि वादा किया गया था, हम हाजिर हैं फिर से आपके सामने लेके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्लैमिंगो पोइट्री सेक्शन से। तो फ्लैमिंगो का पोइट्री सेक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। आप ध्यान दें कि किस तरह से पोइट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम कैसे उसको आंसर करें। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो 10 क्वेश्चंस जो झारखंड बोर्ड अक्सर पूछता है और आपके सामने ये क्वेश्चंस होने ही चाहिए जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं 3 मार्क्स के लिए। कैसे आप इनको आंसर करेंगे, क्या वो क्वेश्चंस है, चलिए बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी देखते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट कमला दास फील्स। तो कमला दास माई मदर 66 की पोइट्री को लिखने वाली, वो किस तरह का पेन और एक फील करती हैं। पेन और एक का मतलब है दर्द। आंसर है, इन द पोएम माई मदर 66 द पोएट कमला दास एक्सप्रेसेस हर पेन एंड फियर। तो इस कविता में कवित्री ने अपना पेन और फियर को एक्सप्रेस किया है। व्हेन शी सीज हर मदर डोजिंग बिसाइड हर ओपन माउथेड, जब वो देखती हैं अपनी माँ को डोजिंग, डोजिंग मतलब बैठे बैठे सोना, हर ओपन माउथेड और मुंह उनका खुला हुआ है। शी थॉट That her mother has grown really old. उनको देख के एहसास होता है कि उनकी माँ सचमुच में काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। And she might not live long as she looked like a late winter's moon. और उनको ये भी एहसास होता है कि शायद वो ज़्यादा दिन जीवित ना बचे क्योंकि वो लेट विंटर्स मून की जैसा दिख रही हैं। तो जाड़े का चंद्रमा खूबसूरत तो होता है पर कुहासे के कारण पीला और बीमार दिखता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी कवि की माता जी खूबसूरत तो हैं पर बुढ़ापे के कारण वो उतनी सुंदर नहीं दिख रही हैं। दिस थॉट ब्रिंग्स बैक हर चाइल्डहुड फियर, और ये सोच आते ही उनका बचपन का डर वापस आ जाता है। दैट हर मदर विल बी गॉन एंड शी विल बी लेफ्ट ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, कि एक दिन उनकी माँ चली जाएंगी और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। तो इस तरह से 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम इतने शब्द खर्च करने होंगे और सटीक आंसर आपको लिखना होगा तो आप 3 में 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग वर्ड्स मतलब होता है विदा होते समय का शब्द, ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो पोएट जब अपनी माँ से विदा ले रही थी, उन्होंने क्या कहा और उनके मुस्कान का क्या अर्थ है। आंसर देखते हैं, एट द एंड ऑफ द पोएम कमला दास सेज सी यू सुन अम्मा। तो पोएम के अंत में पोएट कहती है, अम्मा फिर तुमसे मिलती हूँ। एंड सी पासेज अ लॉन्ग स्माइल, और वो जो है एक लंबा सा मुस्कान देती हैं, अ लॉन्ग स्माइल। हियर वी अंडरस्टैंड दैट द पोएट वॉज ट्राइंग टू हाइड हर पेन एंड फियर, और यहाँ हम समझते हैं कि वो अपना दर्द और डर छुपाने की कोशिश कर रही है। किस बात का डर है और दर्द है, ऑफ लूजिंग हर मदर बिहाइंड हर स्माइल, कि उनकी माँ शायद अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं बचेंगी क्योंकि वो काफ़ी एजेड हो चुकी हैं। एंड शी विशेज टू मीट हर मदर वंस अगेन वैन शी रिटर्न्स बैक, और ये मुस्कान का, ये कहने का अर्थ क्या है। तो ये कहने का अर्थ है कि वो विश करती हैं, डिज़ायर करती हैं कि जब वो वापस आएँ तो अपनी माँ से वो दोबारा मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग पोएम से, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द स्लम स्टूडेंट्स। तो स्लम स्टूडेंट्स का कंडीशन पोएट ने कैसा दर्शाया है ये आपको बताना है। तो स्लम स्टूडेंट्स का मतलब है झोपड़पट्टी के बच्चे। द पोएट स्टेफन स्पेंडर, तो पोएट का नाम आप याद रखेंगे स्टेफन स्पेंडर, हैज ड्रॉन अ पैथेटिक पिक्चर। पैथेटिक मतलब बहुत ही दयनीय पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन द एलिमेंट्री स्कूल ऑफ अ स्लम। तो एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बहुत ही दयनीय चित्रांकन किया है कवि ने, स्टेफन स्पेंडर ने। द स्टूडेंट्स आर कंपेयर्ड विथ रूटलेस वीड्स, और इन बच्चों को कंपेयर कैसे किया गया, रूटलेस वीड्स के साथ। दे आर स्टार्विंग, भूख से ग्रसित हैं, डिजीज्ड बीमार हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन गरीबी के मारे हुए हैं। द पोएट वांट्स देम टू बी गिवन अ बेटर एनवायरमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, और कवि चाहते हैं कि इन बच्चों को एक बेहतर माहौल मिले और उनको बराबर का मौका मिले जैसा कि अपर क्लास बच्चों को मिलता है, एज अपर क्लास चिल्ड्रन गेट। तो जिन वर्ड्स को भी मैं मार्क कर रहा हूँ ये सारे की वर्ड्स हैं, आप इनको ज़रूर ध्यान से
याद करें, इनके स्पेलिंग्स को समझ लें, रट लें। ऐसे शब्द का जब आप चयन करते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलता है, जो कि कविता के अंदर से ही लिया गया है और उसके थीम से लिया गया है। व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम? तो ये वर्ड देखिएगा, स्लम, इसका मतलब होता है झोपड़पट्टी। तो ये जो गरीब बच्चे हैं स्लम के, इसके लिए पोएट स्टीफन स्पेंडर क्या चाहते हैं? तो आंसर में आते हैं, द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम आर विक्टिम्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। तो ये जो गरीब बच्चे हैं ये पीड़ित हैं किस चीज़ के? कुपोषण के। एंड आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, वो गरीबी के मारे हुए हैं। लिविंग इन डर्टी इन्वायरमेंट, बहुत ही गंदगी में रहते हैं। द पोएट वांट्स द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड द विजिटर, ये वर्ड आपको याद रखना ही होगा इस आंसर के लिए, कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर्स, इस तीनों को कहते हैं पोएट कि आप आगे बढ़िए, टू स्टेप फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़िए। एंड हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेट इन टू द टाउन, और इन गरीब बच्चों को मदद करिए शहर तक ले जाने के लिए। क्लोज टू द नेचर, प्रकृति के नज़दीक, वेयर दे कैन गेट प्रॉपर इन्वायरमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। तो इनको सही माहौल और सही मौका मिले पढ़ाई का, ये कवि चाहते हैं इन बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाई डज पैब्लो नेरुडा वांट टू काउंट अप टू 12? पैब्लो नेरुडा क्यों चाहते हैं कि वो 12 तक की गिनती करे? तो ये 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि 12 की गिनती ही वो क्यों करना चाहते हैं। तो आंसर में आते हैं हम लोग, देखते हैं। द पोएट पैब्लो नेरुडा वांट्स टू काउंट अप टू 12, कवि 12 तक गिनना चाहते हैं। एंड ऑल ऑफ अस टू बी साइलेंट एंड स्टिल, और साथ में ये भी चाहते हैं कि हम सब बिल्कुल साइलेंट भी हों और स्टिल भी हों, शांत और स्थिर हों। दिस विल प्रोवाइड अस अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो इस कविता से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंट्रोस्पेक्शन वर्ड आपको आमतौर पर यूज करना ही पड़ता है, इसका मतलब होता है आत्मचिंतन। तो जब वो 12 तक गिनेंगे, इससे हम लोगों को एक पल मिलेगा जिस पल में बैठ के हम आत्मचिंतन कर सकेंगे। वी शैल बी एबल टू एनालाइज, हम सब ये आकलन कर सकेंगे हाउ वी आर हार्मिंग आवर मदर नेचर, कि हम किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी मदर नेचर को। एंड हाउ कैन वी कम आउट ऑफ विथ इको फ्रेंडली वेज ऑफ डेवलपमेंट, और किस तरह से हम विकास को प्राप्त करें, लेकिन किस तरीके से? इको फ्रेंडली वे से, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हुए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नेचर, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हुए हम किस प्रकार अपने डेवलपमेंट को आगे लेके जाएं, ये सोचने का मौका हमें मिलता है कब? जब कवि गिनते हैं 12 तक। थैंक यू अच्छे से सुनने के लिए। नेक्स्ट है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में भी आता है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, कि क्या कवि इस बात की वकालत कर रहे हैं, एडवोकेट्स मतलब वकालत करना, कि हम बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाएं और हमें डेथ मिले? तो जाहिर सी बात है, नहीं, कोई कवि क्यों चाहेगा कि हम सब मर जाएं। तो आंसर तो सबसे पहले नो होगा, ये हम जान के ही रखें। आगे बढ़ेंगे, द पोएट वांट्स अस टू बी इनएक्टिव फॉर ओनली सम टाइम्स, कि कवि चाहते हैं कि हम इनएक्टिव हो, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए। अनटिल काउंट्स अप टू 12, जब तक वो 12 नहीं गिन लेते तब तक सिर्फ हम लोग इनएक्टिव रहे। हियर आफ्टर, इसके बाद, ही वॉन्ट्स अस टू लिव आवर लाइफ प्रॉपरली, उसके बाद वो चाहते हैं हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। एज ही सेज, जैसा वो कहते हैं, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, कि जीवन जीने का नाम है, जीने से आपको नहीं रोक रहे हैं। All he wants from us is to introspect, और हमसे वो जो चाहते हैं वो सिर्फ ये है कि हम आत्मचिंतन करें। How to make the world a better place to live in without disease, war and death, कि किस तरह से ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सके, better place बन सके, जहाँ पे ना तो कोई रोग हो, ना कोई युद्ध हो, ना ही मौत हो, ट्रक भर भर के लाशें ना जाएं, जैसा कि कवि ने कविता में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आते हैं, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से लिया गया है, तो कहीं पे भी आपको ब्यूटी वर्ड दिखता है तो आप याद रखें जॉन कीट्स को और थिंग ऑफ ब्यूटी को कविता के संदर्भ में। तो क्या कवि ऐसा कहते हैं?
कि हम खूबसूरती कुछ पल के लिए ही महसूस करते हैं क्या, या फिर ये हम पे एक लंबा इंप्रेशन छोड़ता है? आंसर आते हैं, इन द वेरी स्टार्टिंग लाइन्स द पोएट जॉन कीट्स हैज सेड, तो कवि ने बिल्कुल शुरुआत में ही कह दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये लाइन आपको याद करना होगा थोड़ा, कि कोई भी खूबसूरत चीज़ वो हमेशा हमेशा की खुशी देती है हमें। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एंड इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, और समय के साथ इसकी खूबसूरती बढ़ती ही जाती है, ये कभी नथिंगनेस मतलब समाप्ति की ओर नहीं जाती। इट क्लियरली मीन्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस एंड इट इज नॉट शॉर्ट लिव्ड। तो इसका साफ ये अर्थ होता है कि कोई भी खूबसूरत चीज़ या खूबसूरती वो एक लास्टिंग इंप्रेशन हमारे ऊपर बनाती है, और ये शॉर्ट लिव्ड मतलब क्षणिक नहीं होती है, मोमेंट्री नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, व्हाट डू द रोड साइड स्टैंड पीपल ऑफर टू सेल, तो रोड साइड स्टैंड पीपल क्या बेच रहे हैं? आंसर है, इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट का नाम जरूर याद रखें, हैज हाईलाइटेड द सफरिंग्स ऑफ द पुअर शॉपकीपर्स। तो यहाँ पे गरीब दुकानदारों का दर्द को रखा है किस पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो वो क्या बेच रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, बाय द हाईवे, बाय द हाईवे का मतलब है हाईवे के नज़दीक। दे आर सेलिंग वाइल्ड बेरीज, ये इन्वर्टेड कॉमा में है ध्यान दीजिएगा, एंड क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, तो वो जंगली बेर और कद्दू, टेढ़े गर्दन वाला कद्दू बेच रहे हैं। बट नो रिच पीपल स्टॉप टू परचेज इट फ्रॉम दैम, पर दुख की बात ये है कि कोई भी अमीर ज़्यादा वहाँ पर रुकता नहीं है उनका सामान खरीदने के लिए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, वाई हैज़ आंट जेनिफर मेड टाइगर्स, आंट जेनिफर ने हिरन खरगोश क्यों नहीं बनाया, टाइगर्स ही क्यों बनाया, ये क्वेश्चन है। आंसर है, आर्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वंस इनर फीलिंग्स, कि कला जो है हमारे आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। तो एक फिलोसॉफिक लाइन मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए, जब आप ऐसी लाइन लिखते हैं तो समझ में आता है कि आपको थीम पूरा क्लियर है। व्हेन आंट जेनिफर मेक्स टाइगर्स, जब आंट जेनिफर टाइगर्स बनाती है, वी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर डीप डिज़ायर, तो हम साफ साफ समझ जाते हैं कि ये उनका डीप डिज़ायर है, वो अंदर से चाहती हैं टू लिव अ लाइफ लाइक द टाइगर्स, कि वो भी टाइगर्स के जैसा ज़िंदगी जी सके, हैविंग फ्रीडम एंड करेज इन इट, जिसमें आज़ादी और हिम्मत दोनों मिल पाए। तो क्योंकि ये उनका आंतरिक डिज़ायर था कि वो भी शेर के जैसा एक जीवन जी सके, इसलिए उन्होंने किसी और जानवर का नहीं, टाइगर्स का ही पिक्चर बनाया। लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पोएट्री सेक्शन से आपके लिए सामने प्रस्तुत है, ऑफ व्हाट और ऑफ हूम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन द थर्ड स्टैंजा, तो किस इंसान से या चीज से आंट जेनिफर डरी हुई है, ऑफ व्हाट और ऑफ हूम इज आंट जेनिफर, इसे हटा देते हैं, टेरिफाइड विथ इन द थर्ड स्टैंजा, किस चीज से वो डरी हुई है। आंसर देखते हैं, आफ्टर रीडिंग द पोएम वी क्लियरली अंडरस्टैंड, कविता पढ़ने के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं दैट आंट जेनिफर इज अ विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेंस, तो वो पुरुष प्रधान समाज के कारण पीड़ित हैं। शी वॉज टेरिफाइड बोथ ऑफ हर हस्बैंड, वो दो चीज़ों से डरी हुई हैं, किससे, बोथ ऑफ हर हस्बैंड पति एंड द ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मतलब होता है डरावना सपना, ऑफ हर मैरिड लाइफ, तो उनका जो शादीशुदा जीवन है एक डरावना सपना बन चुका है, तो इस दोनों चीज़ों से उनको डर लगता है। विद द मैरिज रिंग शी वॉज मास्टर्ड बाय, तो कविता का लाइन ये यहाँ पर लिया गया है कि शादी की अंगूठी पहना के उनको पत्नी नहीं नौकरानी बनाया गया, शी वॉज मास्टर्ड बाय एंड शी वुड बी टेरिफाइड इवन आफ्टर अवर डेथ, और यहाँ पर थोड़ा एग्जग्रेशन का यूज़ किया गया है, कवि ने लिखा है कि मौत के बाद भी वो डरी हुई रहेंगी, इवन आफ्टर हर डेथ, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड एंड द टेरिफाइंग एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ, और इसका सीधा कारण है कि उनके डर का कारण उनके हस्बैंड होंगे और उनका मैरिज लाइफ का एक्सपीरियंस होगा।
तो इस तरह से आपके सामने फ्लैमिंगो का सारे पोइट्रीज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो वहाँ पे रख दिया गया है। और आगे के वीडियो में बहुत ही जल्द हम लोग देखेंगे कि विस्टास और फ्लैमिंगो के बाकी चैप्टर्स को हम कैसे जल्दी से जल्दी कवर कर सके। थैंक यू।